लेटर जारी कर दिया एक ही डेट का, कोई और पेपर है इसके, ये प्रिंट तो नहीं है। इधर देखो, हाँ मैं यही हूँ। आपको पास में मान भी लिया उसने, लेकिन तब भी वो आगे आने वाले समय बैठ कर लिया। हमारे पास हमें आवास मिलने नहीं दिया जा रहा है मुझे। मैंने कई बार अपने जिला अधिकारी को हर जगह मैंने प्रार्थना पत्र दिए अपने, फिर उसके पास भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने माननीय मंत्री जी के पास दिए, माननीय मंत्री जी ने हमारे लिए लेटर पैक लिखा, जांच करवाई, जांच में सच्चता पाई गई। उन्होंने हमें कहा कि मतलब कि जल्द से कॉलोनी दे दी जाएगी। उसके बाद में भी कोई मतलब सहारा नहीं मिला मुझे। इसके बाद में तिबारा मैंने फिर गया माननीय मंत्री जी के पास, उन्होंने फिर हमने डीएम साहब को आदेश किया, तो उन्होंने एक प्रधान जी हमारे घर पे आए, मेरे पति बैठे थे, उनके गाली गलौज काफी की, तो हम देखा तो हमसे कहने लगे कि तुम्हारी औकात भी नहीं है, चाहे तुम जितने ऊपर चले जाओ, तुम्हें घर क्या है, तुम्हें एक चीज नहीं मिल सकती है। हमने कहते रहे कि हमने हाथ जोड़ते रहे कि मेरे बच्चे तो घर नहीं मेरे पास है, चप्पर के नीचे है, टूटी मड़ैया है, कैसे लग रहेंगे। क्या बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे हैं। छोटे बच्चे हैं तो इसलिए अधिकारियों से एप्लीकेशन लिखी, तो अधिकारियों ने पहले पात्र बनाया, बाद में अपात्र कर दिया। फिर उसके बाद में जब हमने तिवारा लेटर दिया, जब प्रधान जी ने मुझसे कहा कि तुम चाहे जहाँ 50 रुपए खर्चा करोगी वहाँ मैं 2 लाख रुपया खर्चा करूंगा, चाहे माननीय मंत्री जी तुम्हारे उतरिए, चाहे डीएम साहब उतरिए, मैं कोई भी कॉलोनी नहीं दिला सकता है। क्या नाम है प्रधान का? विनोद शुक्ला। और एक बार सेक्रेटरी जी ने भी हमसे यही कहा, सेक्रेटरी जी विजय यादव, उन्होंने कहा कि हम तो 10 गांव के मालिक हैं, हमारे से इतना शासन तक का पैसा जाता है, इतना अधिकारी पैसा जाता है, जो तुम लोग कुछ भी नहीं करा सकोगे। आज तक क्या कर लिया हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, कहीं कोई जगह नहीं बकाया जहाँ मैंने प्रार्थना पत्र नहीं दिए, हाँ नहीं जोड़े। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको आवास मिलेगा, सबको वो होगा, गरीबों को, लेकिन ये जो उनके नीचे अधिकारी बैठे हैं उन्हें अपना चाहिए, वो गरीबों को क्या दे सकते हैं, उन्हें क्या कहते, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग, उनके पैसा है और पैसा मांगते हैं, हमारे पास खुद से खाने को नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे। हमें तो बस सत्यता की उन्होंने रिपोर्ट लगा दी कि हम पात्र नहीं है इन कॉलोनी का, एक ही दिन में एक ही तारीख में 2 रिपोर्टें लगाई, 2 अधिकारियों से जरिए लगाई। अब हमें इसीलिए हमने आप सबका सहारा लिया कि हमें न्याय मिलेगी, बस न्याय का सहारा है, अगर इसमें भी न्याय नहीं मिला तो सर हम बाल बच्चे समेत नहीं रहेंगे। लेकिन जो इनकी एक्चुअल लाभ पाने की स्थिति है वो ये है कि इनका 2011 के सेक के बाद जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी थी उस वाली लिस्ट में नाम ना होके जो अभी अगस्त में राज्य सरकार ने लाभार्थी पर योजना में छूटे हुए लोगों का सर्वे करा था उसमें छूटे हुए लोगों में इनके नाम चला गया है, तो उसकी प्रक्रिया ये है कि उसके नाम आवास प्लस ऐप पे और वेबसाइट पे फीड किए जा रहे हैं। जब हमारी सेक 11 वाली प्रायोरिटी लिस्ट पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिसमें अभी भी जनपद में करीब 2000 लोगों का आगे आने वाले सालों में बचा हुआ है, जो भी अगले साल या इस साल जो एक्चुअली टारगेट मिलता है उसमें पूरी हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जब ये टारगेट मिलेगा तभी लाभ मिलता है। ये सब एक ही डेट वाली उसकी जांच तो कराएंगे। हाँ, वो चीज तो मैंने बताई ना कि नीचे से रिपोर्ट अगर आई है पाथ की और यहाँ से उसमें गलती हुई है कि ये पीडीडीआरटी के यहाँ से दोनों रिपोर्ट लगी है, दोनों एक ही वो किस समय अपलोड हुई, किसने दोनों उनको रिपोर्टें लगा के दी, वो चीज तो अभी हम चेक करा रहे हैं।